स्वागत है आपका एचजे एजुकेशन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट क्या होता है, कंपनी का नेचर कैसा भी हो, कंपनी का टाइप कैसा भी हो, कंपनी का साइज कैसा भी हो, सभी कंपनी के लिए प्रोडक्ट एक कोर कंपोनेंट होता है, फंडामेंटल कंपोनेंट होता है, जो कंपनी को मार्केट में सक्सेस दिला सकता है, कंपनी का पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज बना सकता है और कंपनी को मार्केट में एस्टेब्लिश करने में हेल्प भी कर सकता है। कंपनी को चाहिए कि वह इस इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को अच्छे से समझने का प्रयास करे, प्रोडक्ट को मार्केट और कस्टमर्स के हिसाब से डेवलप करने का प्रयास करे, प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स के बीच में मार्केट में प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट करे, प्रॉपर जागरूकता बनाए और आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट में इनोवेशन लाने का भी प्रयास करे। ऐसा करने पर ही कंपनी मार्केट में सस्टेन कर पाएगी। असल में प्रोडक्ट ऐसे किसी भी चीज को कहेंगे, ऐसे किसी भी आइटम को कहेंगे जो कस्टमर्स के नीड, डिमांड, रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता हो और जो कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता हो। असल में प्रोडक्ट ऐसे किसी भी चीज को, ऐसे किसी भी आइटम को कहेंगे जो कस्टमर्स के नीड, डिमांड, रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता हो और जो कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता हो। मार्केट में प्रोडक्ट को पैसे के बदले एक्सचेंज किया जाता है। दूसरी तरह से कहा जाए तो प्रोडक्ट को मार्केट में प्राइस के बदले ऑफर किया जाता है, मार्केट में प्राइस के बदले अवेलेबल कराया जाता है। प्रोडक्ट्स टेंजिबल भी हो सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, रेफ्रिजरेटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स आदि। वहीं दूसरी ओर प्रोडक्ट्स इनटेंजिबल भी हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, एडुकेशनल सर्विसेज, रिपेयरिंग सर्विसेज, ब्रोकरेज सर्विसेज, मोबाइल एप्स आदि। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रोडक्ट्स गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड करता है। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं मार्केटिंग में प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या अगर ऐसा कहा जाए कि प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस का फाउंडेशन होता है तो हम लोग गलत नहीं होंगे। अलग अलग प्रोडक्ट्स का नेचर अलग अलग होता है, फीचर्स अलग अलग होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के अलग अलग नीड्स को फुलफिल करता है। एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरह से मार्केट करना होता है, क्योंकि एक ही प्रकार का मार्केटिंग स्ट्रेटजी सभी प्रोडक्ट्स में एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरी तरह से कहा जाए तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना होता है। प्रोडक्ट मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एक कोर एलिमेंट होता है और मार्केटिंग के अलग अलग स्ट्रेटजीज की सहायता से प्रोडक्ट को कस्टमर्स के बीच में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। प्रोडक्ट ही वो एलिमेंट है जिस पर कंपनी का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है। आगे, प्रोडक्ट ही वो एलिमेंट है जो कि कस्टमर्स के मन में ब्रांड का पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज को बनाता है। दूसरी तरह से कहा जाए कस्टमर्स के मन में ब्रांड को लेकर परसेप्शन प्रोडक्ट के माध्यम से ही बनता है। तो अगर यह कहा जाए कि प्रोडक्ट ही कंपनी को मार्केट में एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है तो हम लोग गलत नहीं होंगे। प्रोडक्ट सारे मार्केटिंग प्रोग्राम का, सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कंपनी को चाहिए कि वह मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट्स को लेकर आए जिसका फीचर्स अलग हो और कस्टमर्स को वैल्यू भी प्रोवाइड करता हो। तो ऐसा यूनिक प्रोडक्ट कंपनी के पास उस टूल की तरह होता है जो कंपनी को मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करता है। तो अगर हम लोग यह कहें कि कंपनी का सक्सेस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है तो हम लोग गलत नहीं होंगे। अच्छा प्रोडक्ट कंपनी का सेल्स को इंक्रीज करता है, प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है, मार्केट शेयर को बढ़ाता है। प्रत्येक सोसाइटी का कुछ नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स होता है, तो उन नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराती है।